दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी ने किया पलटवारा। संबित पात्रा ने पूछा कि जेल जाने वाले को कैसे दे दें भारत रत्न। वहीं लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों पर पीएम मोदी ने नीतीश कुमार पर बोला हमला। बोले फूलपुर से लड़े या मिर्जापुर से, जब थोगी नीतीश कुमार की जमानत। वहीं नीतीश कुमार को लगा झटका, केजरीवाल ने किया इशारा। 2024 में नहीं होंगे विपक्षी गठबंधन का हिस्सा। वहीं अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता ने दे दिया बड़ा बयान। बोले राहुल गांधी को फोर्स ना करें, पार्टी में और भी नेता। वहीं विपक्षी एकता पर जयराम रमेश की दो टूक। बोले कांग्रेस के बिना दूसरा मोर्चा संभव नहीं। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी ने किया पलटवारा। संबित पात्रा ने पूछा कि जेल जाने वाले को कैसे दे दें भारत रत्न। आपको बता दें कि आज आम आदमी पार्टी ने अपनी प्रथम राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को कुचलने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन्हें यह नहीं पता कि हमारे नेता कट्टर ईमानदार हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा ने अब आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के आरोपों का जवाब दिया है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इतिहास में सबसे कम समय के अंदर अगर किसी भी चुनी हुई सरकार में सबसे ज्यादा मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोप के कारण इस्तीफा देना पड़ा हो तो वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है। केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली के ऊपर लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। जब आप 144 करोड़ रुपए शराब ठेकेदारों का माफ कर देंगे, सरकारी पैसे को घोटालों में उड़ाएंगे, यानी जिस तरीके से आप बिजली घोटाला कर रहे हैं, डीटीसी में कई हजार करोड़ का घोटाला कर रहे हैं, तो ये कर्ज तो होगा ही। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पूछा कि जेल जाने वाले सत्येंद्र जैन को भारत रत्न कैसे दे दें। बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को भारत रत्न देने की मांग की थी। संबित पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति के ऐसे पहले नेता हैं जो खुद को भगवान समझते हैं, ऐसा तो महात्मा गांधी ने भी नहीं किया था। और बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों पर मोदी ने नीतीश कुमार पर बोला हमला। कहा फूलपुर से लड़े या मिर्जापुर से, जब थोगी नीतीश कुमार की जमानत। ये आपको बता दें कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री पद का सपना देखने वाले नीतीश कुमार भाजपा के बढ़ते जनाधार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से इतना डर गए हैं कि वे बिहार से संसदीय चुनाव लड़ने के बजाय यूपी में सपा के गढ़ फूलपुर और मिर्जापुर से प्रत्याशी बनने की सोच रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि नीतीश कुमार कहीं से भी लोकसभा का चुनाव लड़ लें, जनता उन्हें बुरे तरीके से पराजित करेगी। सुशील मोदी ने कहा कि 2014 में बिहार की 40 सीटों में से जदयू सिर्फ 2 पर जीता था, उसमें भी नालंदा संसदीय सीट पर मात्र 8,000 वोटों के अंतर से उसकी प्रतिष्ठा बची थी। इस बार भाजपा 35 से ज्यादा सीटें जीतकर 2014 की सफलता को दोहराएगी। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि आप फूलपुर से लड़ें या मिर्जापुर से, आपकी जमानत जब्त होगी। और बड़ी खबर, नीतीश कुमार को लगा बड़ा झटका। अरविंद केजरीवाल ने किया इशारा, 2024 में नहीं होंगे विपक्षी गठबंधन का हिस्सा। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने इशारा किया है कि वे 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों के गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी के जनप्रतिनिधियों के पहले राष्ट्रीय कन्वेंशन में उन्होंने कहा कि उन्हें गठबंधन की भाषा समझ में नहीं आती। कई बार उनसे पूछा जाता है कि वे अगले चुनाव में किस गठबंधन का हिस्सा होंगे, लेकिन उन्हें किसी गठबंधन की बात समझ में नहीं आती। उन्होंने कहा कि यदि जनता के बीच में बंधन हो जाएगा तो किसी भी सरकार को हटाना संभव है। इसके लिए उन्होंने 130 करोड़ जनता के साथ आने की बात कही है। उन्होंने अपने पूरे भाषण में केवल भाजपा, पीएम मोदी और केंद्र की नीतियों को ही निशाने पर रखा। उनकी ये पोस्चरिंग अकेले दम पर भाजपा को टक्कर देने की उनकी सोच को प्रदर्शित करती है। लेकिन क्या इसे 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों का गठबंधन बनाने में जुटे नीतीश कुमार की कोशिशों को झटका नहीं लगा है? क्या वे अकेले भाजपा को रोकने में सक्षम है? आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने अपने आधे घंटे के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर जोरदार हमला किया। अपनी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बीच उन्होंने दावा किया है कि उनकी पार्टी कट्टर ईमानदार है। उन्होंने ये भी साबित करने की कोशिश की है कि उनकी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई केवल आम आदमी पार्टी की बढ़ती राजनीतिक ताकत को रोकने के लिए की जा रही है।
अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार को लगा जोर का झटका, जनता दल यूनाइटेड की दादर नगर हवेली इकाई का बीजेपी में हुआ विलय। आपको बता दें कि दादर नगर हवेली में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है। यहां की जनता दल पार्टी यानी जेडीयू की पूरी प्रदेश इकाई ने बीजेपी के साथ अपना विलय कर लिया है। विलय के दौरान पार्टी चीफ जेपी नड्डा भी मौजूद थे। आपको बता दें कि फिलहाल दादर नगर हवेली में नीतीश कुमार को जोरदार झटका लगा है। नीतीश कुमार की पूरी पार्टी बीजेपी में शामिल हो गई है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता के बयान से मचा बवाल, बोले राहुल गांधी को फोर्स ना करें पार्टी में और भी नेता। यह आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए पार्टी के अंदर तैयारियां तेज हैं। पार्टी का एक बड़ा धड़ा राहुल गांधी को ही अध्यक्ष पद पर देखना चाहता है, लेकिन राहुल गांधी तैयार नहीं है। इस दौरान दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने कहा कि अगर राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते तो उनको फोर्स नहीं किया जाना चाहिए। पार्टी में और भी लोग हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश के चांचौड़ा से विधायक और दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कहा कि यह यात्रा राहुल गांधी को पहले कर लेनी चाहिए थी। इसमें लोगों को यह कहने का मौका मिल गया है कि यह यात्रा ईडी के छापे के बाद ही क्यों हुई है। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए लक्ष्मण सिंह ने कहा कि पैदल चलने से ना चुनाव जीते जाते हैं और ना ही कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता तो भेड़ चराने वाले रबाड़ी हर साल 2 से 3 हजार किलोमीटर पैदल चलते हैं तो वो भी प्रधानमंत्री बन जाते। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि इलेक्शन पॉलिटिक्स में आर्ट ऑफ मैनेजमेंट होता है, चुनाव बूथ स्तर पर काम करके जीते जाते हैं। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने को लेकर राहुल गांधी ने ना ही हां कहा है और ना ही इनकार किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुनाव को लिए 24 सितंबर को नामांकन दाखिल किया जाएगा और अगर इस नामांकन में एक से अधिक उम्मीदवार होते हैं तो ऐसी दशा में 17 अक्टूबर को इसके लिए चुनाव कराए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, विपक्षी एकता पर जयराम रमेश की दो टूक, बोले कांग्रेस के बिना दूसरा मोर्चा संभव नहीं। ये आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी दोबारा से खड़ी होने के लिए राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने अन्य विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कुछ विपक्षी पार्टियों को लगता है कि वो कांग्रेस के बिना दूसरी विपक्षी एकता बना लेंगी तो वो मूर्ख हैं। जयराम रमेश ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि कई क्षेत्रीय दलों ने अतीत में अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए कांग्रेस पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है और ऐसी पार्टियों को कांग्रेस द्वारा अपने गठबंधन में शामिल करना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बिना विपक्ष की कोई एकता नहीं हो सकती। कोलकाता में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए जयराम रमेश ने कहा कि अगर कोई गैर भाजपा संगठन सोचता है कि कोई गठबंधन बिना कांग्रेस 5 साल के लिए एक स्थिर सरकार प्रदान कर सकता है तो वो मूर्ख है। कांग्रेस के बिना कोई विपक्षी एकता कभी नहीं हो सकती। अगली बड़ी खबर, राघव चड्ढा को मिला मिशन गुजरात, बीजेपी के गढ़ में खेल बिगाड़ेगी आम आदमी पार्टी। ये आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड चुनावी जीत सुनिश्चित करने वाले युवा नेता और सांसद राघव चड्ढा गुजरात में भाजपा का खेल बिगाड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को आगामी गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए सह प्रभारी नियुक्त किया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत में राघव चड्ढा की मेहनत रंग लाई थी। राज्य में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीतकर 79% बहुमत हासिल किया था। यही एकमात्र कारण है कि राघव चड्ढा को गुजरात चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अहम जिम्मेदारी सौंपी है। राघव चड्ढा ने दिल्ली और पंजाब दोनों जगह बड़ी जिम्मेदारियां निभाई हैं। पार्टी उन्हें युवाओं के बीच में एक बहुत लोकप्रिय चेहरे के रूप में देखती है, जिसे वो बेहतर शिक्षा, नौकरी और व्यापार के अवसरों के साथ बेहतर भविष्य के वादों के साथ पेश कर रही है। गुजरात में जीत आम आदमी पार्टी के लिए अपनी राष्ट्रीय आकांक्षाओं को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण है। पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सोदिया ने राज्य के कई दौरे किए हैं। भाजपा और यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेवड़ी संस्कृति के तीखे हमलों का सामना करते हुए पार्टी ने गुजरात में सत्ता में आने पर सभी के लिए रोजगार, मुफ्त बिजली और पानी और स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में सुधार करने का वादा कर दिया है। अगली बड़ी खबर, पदयात्राओं ने पलट दी हैं कई सरकारें, क्या राहुल गांधी दोहरा पाएंगे इतिहास। ये आपको बता दें कि क्या आप जानते हैं कि देश में इससे पहले भी कई पदयात्राएं हुई हैं जिसने पूरी सरकारें पलट दी हैं। इस बीच सवाल ये भी उठता है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी इस इतिहास को दोहरा पाएंगे। राहुल गांधी के इस पदयात्रा पर सभी की निगाहें टिकी हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 5 महीने की भारत जोड़ो यात्रा पर है। वो कन्याकुमारी से निकले और उनके पीछे एक जन सैलाब चल पड़ा, लेकिन उनके हर पहलू, प्रयास और कदम पर बीजेपी की बारीक निगाह टिकी हुई है। आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी इतिहास को दोहरा पाएंगे, क्या राहुल गांधी बीजेपी को सत्ता से हटा पाएंगे। अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने ममता बनर्जी को दे दिया जोर का झटका। नंदीग्राम सहकारी निकाय चुनाव में टीएमसी की करारी हार। भाजपा ने 12 में से जीती 11 सीटें। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में भाजपा ने एक सहकारी निकाय के चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। ये भाजपा विधायक और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का निर्वाचन क्षेत्र है। बैंकुटिया समय कृषि समिति की 12 में से 11 सीटों पर भगुआ पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। इस पर पहले टीएमसी का कब्जा था। अधिकारी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हरा दिया था। आपको बता दें कि एक बार फिर से भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को करारी मात दी है। नंदीग्राम सहकारी निकाय चुनाव में टीएमसी को करारा झटका लगा है, जबकि भाजपा ने 12 में से 11 सीटें जीती हैं। अगली बड़ी खबर, सीताराम येचुरी ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, संविधान की रक्षा के लिए बीजेपी को सत्ता से रखें दूर। ये आपको बता दें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी महासचिव सीताराम येचुरी ने रविवार को एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने लोगों से भाजपा को वोट न देने की अपील भी की। माकपा नेता ने रविवार को कहा कि संविधान की रक्षा और लोगों के अधिकार की गारंटी के लिए भाजपा को सत्ता से बाहर रखा जाना चाहिए। हैदराबाद में उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि हैदराबाद लिबरेशन में भाजपा की कोई भूमिका नहीं है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर इतिहास को विकृत करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यदि आप भारत को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में बचाना चाहते हैं, यदि आप भारतीय संविधान की रक्षा करना चाहते हैं और लोगों के लिए अधिकार चाहते हैं, तो आपको भाजपा को राजनीति, सत्ता और सरकारी नियंत्रण से दूर रखना होगा। अगली बड़ी खबर, मदरसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर मुस्लिम संगठन ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, कार्रवाई बंद कराने की मांग। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और असम में मदरसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर मुस्लिम संगठन रजा अकादमी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में रजा अकादमी ने मदरसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को बंद करने की गुहार लगाई है। इसके साथ ही रजा अकादमी ने मदरसों के बच्चों को स्कूली बच्चों को मिलने वाले स्टेटस की भी मांग की है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति को लिखे पत्र में रजा अकादमी कहा कि किसी भी एक व्यक्ति के गुनाहों की सजा उस एक व्यक्ति को ही मिलनी चाहिए। उस पूरे मदरसे को तोड़ना गलत है। मदरसा किसी का व्यक्तिगत नहीं होता, वो पूरी कम्युनिटी का होता है। इसलिए एक व्यक्ति के अपराध की सजा उस पूरी कम्युनिटी को नहीं दी जानी चाहिए। अगली बड़ी खबर, केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी ने बोला तीखा हमला। कहा, टैक्स चोरी करने वाले खुद को बता रहे माखन चोर। ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने उन्हें तगड़ा जवाब दिया। संबित पात्रा ने कहा कि टैक्स चोरी करने वाले लोग आज खुद को माखन चोर बता रहे हैं। संबित पात्रा ने एक संवाददाता सम्मेलन में केजरीवाल की बखिया उधेड़ी और कहा कि अन्ना हजारे ने ठीक कहा था कि केजरीवाल के सिर पर पावर चढ़ गया है। आज केजरीवाल ने झूठ का पुलिंदा और जैसी भाषा यूज की है, वो अन्ना हजारे की बात को सही साबित करता है। संबित पात्रा ने कहा कि जब भी किसी राज्य में चुनाव आता है तो वो केजरीवाल उस राज्य में जाकर नौटंकी करने लगते हैं। कहते फिरते हैं कि हम फर्स्ट आ रहे हैं, हमसे सब डरे हुए हैं, हम ही जीतेंगे। किसी भी राज्य में चुनाव आते हैं तो केजरीवाल की नौटंकी शुरू हो जाती है, जैसे कि गुजरात हिमाचल में जारी है। वहां बार बार जाकर कह रहे हैं कि हमसे सरकार डर गई है। मुझे आश्चर्य है कि केजरीवाल ने यह नहीं बोला कि हमसे जो बाइडेन भी डरे हुए हैं। संबित पात्रा ने कसते हुए कहा कि ऐसी आत्ममुग्धता के बारे में सुना तो था लेकिन देखा नहीं था। ये पहली बार देख रहे हैं। केजरीवाल जी तो लगता है कि दो राज्यों में चुनाव जीतने के बाद भगवान बन गए हैं। वे तो कान्हा बन गए हैं, अब वो बध कर रहे हैं। शराब टैक्स चोरी करने वाला, एक्साइज टैक्स चोरी करने वाला आज अपने आप को माखन चोर से कंपेयर कर रहा है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी पर जमकर बरसे आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह। बोले, जो शिंदे के साथ किया वो मनीष सिसोदिया ने फेल कर दिया। ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि आज आम आदमी पार्टी का पहला जनप्रतिनिधि सम्मेलन था, जिसमें देश भर से करीबन 1500 प्रतिनिधि शामिल हुए। इस पर बीजेपी का विचलित होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि संबित पात्रा ने बेवजह बेबुनियादी सवाल उठाए। संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने भी सवाल उठाया कि 285 विधायकों को खरीदने का काम, सरकारों को गिराने का काम जो बीजेपी ने किया, इसमें कितने करोड़ रुपए भ्रष्टाचार का पैसा बीजेपी ने लगाया, वो कहां से आया है। अब बीजेपी का नाम बदल कर भारतीय खोखा पार्टी हो गया है। संजय सिंह ने कहा कि जो शिंदे के साथ किया वो मनीष सिसोदिया ने फेल कर दिया।
अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार ने बना दिया डीबीटी का रिकॉर्ड, जरूरतमंदों के बैंक खाते में अब तक डाले गए 25 खरब रुपए। ये आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार में लाखों लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसा सीधा ट्रांसफर होने का रिकॉर्ड बन गया है। साल 2014 से अब तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी स्कीम का आंकड़ा 25 ट्रिलियन यानी 25 खरब रुपए के पार निकल गया है। बता दें कि इस स्कीम से नए नए लाभार्थी जुड़ने की वजह से डीबीटी ट्रांसफर साल दर साल लगातार बढ़ रहा है। साल 2019-20 में डीबीटी स्कीम के तहत 3 ट्रिलियन रुपए ट्रांसफर किए गए, वहीं साल 2021 में ये मात्रा बढ़कर 5.5 ट्रिलियन रुपए हो गई, जबकि आखिरी वित्तीय वर्ष में ये 6.3 ट्रिलियन हुआ। आपको बता दें कि फिलहाल मोदी सरकार ने डीबीटी का रिकॉर्ड बना दिया है। अगली बड़ी खबर, यूपी विधानसभा के सत्र में हंगामे के आसार, विपक्ष से मुख्यमंत्री योगी ने की बड़ी अपील। ये आपको बता दें कि यूपी विधानसभा का सत्र आज से शुरू होगा, इसमें विपक्षी दलों द्वारा हंगामा करने के आसार हैं। सरकार और विपक्ष में जहां महंगाई और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर तकरार के आसार हैं, तो वहीं सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक में सभी दलों से सत्र शांतिपूर्ण ढंग से चलाने के लिए सहयोग मांगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में रविवार को विधानसभा में सर्वदलीय बैठक की गई, इसमें सपा, बसपा, कांग्रेस, सुभाषपा के साथ ही रालोद के नेता मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने सभी दलों के नेताओं से अपील की कि विपक्ष सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग करे, ताकि विकास कार्यों और अन्य विधायी कार्यों को निपटाने में कोई व्यवधान न पड़े। अगली बड़ी खबर, पीएफआई के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्यवाही, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई ठिकानों पर मारा छापा। ये आपको बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की ओर से रविवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गई। एनआईए की टीम ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 40 ठिकानों पर छापा मारा। इस दौरान 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इनमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 2-2 लोग शामिल हैं। बताया जा रहा है कि दोनों राज्यों में 23 से ज्यादा टीमें तलाशी अभियान चला रही हैं। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, बोले यूपी के अपराधियों में खौफ, पुलिस को दौड़ाने वाले आज खुद बच के भाग रहे। ये आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी ने रविवार को यूपी की कानून व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश देश और दुनिया के लिए एक नजीर बन रहा है। योगी ने कहा कि वर्ष 2017 के पहले जिस राज्य में दंगे, अराजकता, गुंडागर्दी चरम पर थी, जहां पुलिस भागती थी और अपराधी उन्हें दौड़ाते थे, आज कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले अपराधियों में पुलिस का खौफ है। प्रदेश में अपराध में कानून का भय है, साथ ही कानून का राज स्थापित होने से यूपी निवेश में लोगों का पसंदीदा राज्य बन गया है। क्या आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अराजकता कम हुई है? यदि हाँ या ना, तो अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।